सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज देखण वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियां दे। हमास ने 13 इजरायलियों सने 24 बंदकों छड़े। इजरायल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को किया रिहा पर हमास से हमला रहेगा जारी। पाकिस्तान च इमरान खान को नहीं मिली राहत। अदालत ने जांच एजेंसी को दिया होर समा। अगली सुनवाई 27 नवंबर तक जांच पूरी करने के आदेश। सिख श्रद्धालुओं का जत्था श्री करतारपुर साहब के दर्शन लिए होया रवाना। श्रोमणी कमेटी दफ्तर तो हुई रवानगी। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। 7 अक्तूबर के बाद तो जंग चुलझे। इजराइल ते हमास विचाले बीते दिनी 49 दिन बाद 4 दिन की जंगबंदी हो गई है। जंगबंदी समझौते अधीन अदला बदली के पहले पड़ाव च हमास ने 24 बंदकों नूं रिहा कर दिता है जिन्हां नूं गाजा च रख्या होया सी। हमास ने 13 इजराइली बंदकों के नाल थाईलैंड के 10 ते फिलीपींस के एक बंदक नूं भी छड्डिया। इजराइल ने भी अपनी जेलों च बंद 39 फिलिस्तीनियों नूं रिहा कर दिता है। इस समझौते च अगले 4 दिन कुल 150 फिलिस्तीनी कैदियों 50 इजरायली बंदकों रिहा किया जाना है। मुक्त किए गए इजरायली बंदकों 8 औरतों ने जिन्हों चो 6 की उम्र 70 तो 80 साल के दरमियान है। इन 3 बच्चे ने रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों 24 औरतों 15 अल्लड़ ने जो इजरायली बलों के हमले लिए इरादा कतल पत्थरबाजी के अपराध लिए जेल च बंद सन। इजरायल का कहना है कि जेकर वध बंदकों रिहा किया जाता तो जंगबंदी अगे वधाया जा सकता है पर उसने जंगबंदी खत्म होने तो बाद वे पद्धर से हमले दोबारा शुरू करने की कसम भी खाधी है। पाकिस्तान की एक अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रिष्टाचार मामले च जेल च बंद साबका प्रधानमंत्री इमरान खान तो पुछगिछ करने लिए भ्रिष्टाचार विरोधी संस्था नूं 4 होर दिनों का समा दिता। खान नूं वख-वख मामलों च 26 सितंबर तो रावलपिंडी दी अदियाला जेल च रख्या गया। जवाबदेही अदालत दे जज मुहम्मद बशीर ने उच्च सुरक्षा वाली जेल दे अंदर सुनवाई की। जज बशीर ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो नूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखी तो जेल दे अंदर पुछगिछ करन दा हुक्म दिता है ते कहा कि उसनूं होर किते नहीं भेजा जाएगा। रिपोर्ट मुताबिक जज ने ब्यूरो की जांच टीम अते इस्तगासा पक्ष नूं सुनवाई की अगली तरीक 27 नवंबर तक जांच पूरी करन दा निर्देश भी दिया। ये साड़ी खुशकिस्मती होगी कि जेकर असी उन्होंने बहादुर फौजियों की सेवा लिए कोई उपकार कर सकी जिन्हों करके देश दियां सरहदां सुरक्षित ने। इस भावना नाल फौजी हैडक्वार्टर उत्तर भारत खेत्र बरेली हैडक्वार्टर च भारतीय फौज के पतंजलि योगपीठ विचाले वख-वख विषयां ते केंद्रित एक अहम MOU ते दस्तखत किए गए। इस गौरवमई पल च पतंजलि वालों पतंजलि योगपीठ के जनरल सकत्तर आचार्य बाल कृष्ण अते भारतीय फौज तो लैफ्टीनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी हाजिर सन। इस MOU के तहत योग आयुर्वेदिक दवाई ते तंदुरुस्ती दे खेत्र साडे फौजी भरावां दी सेहत संभाल लई जरूरी आयुर्वेदिक दवाइयां दी खोज दे खेत्र विच जैव विभिन्नता दे नाल उच्च हिमालयन खेत्रां विच जीवन रक्षक दरख्तां ते खोज दे खेत्र विच फौज सूचना ते टेक्नोलॉजी नूं लैके ऑटोमेशन दे वख-वख प्रयोगां दे खेत्र विच इकट्ठे मिलके काम होएगा ते नाल ही पतंजलि नाल संबंधित संस्थावां वल्लों सेवा मुक्त फौजी भरावां नूं सेवा कारजां च सेवा मुक्त फौजी भरावां नूं पहल दे आधार ते नियुक्ति देण दा विचार कीता जावे। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाने लिए श्रोमणी कमेटी दफ्तर तो सिख श्रद्धालुओं का जत्था जयकारियां की गूंज विच पाकिस्तान लिए रवाना किया गया। इस जत्थे की अगवाई श्रोमणी कमेटी के मैंबर खुशविंदर सिंह भाटिया कर रहे हैं। इस मौके सकत्तर प्रताप सिंह ने दसिया कि सिख श्रद्धालु अज अटारी वाघा रस्ते श्री ननकाणा साहब पहुँचणगे ते 27 नवंबर में उत्थे प्रकाश पुरब समागम उपरंत पाकिस्तान के होर वख-वख गुरद्वारा साहिबाना के दर्शन करते हुए 4 दिसंबर को भारत वापस आएंगे। इस मौके मीत सकत्तर जसविंदर सिंह जस्सी कुलविंदर सिंह अमदास मलकीत सिंह बेरवाह भजन सिंह वक्ता समेत वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। बहुत बहुत कर्मा वाले समझते हो भी साडा वीजा लग गया 50% वीजा जिहड़ा वा ओ कैंसल हो गया
ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 85 ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 788 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਸਿੰਗਦਾਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ नशे के खिलाफ वड्डी कार्रवाई करते हुए अमृतसर रेलवे की जीआरपी पुलिस नूं उस वेले वड्डी कामयाबी हासिल हुई जदों रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से चैकिंग दौरान एक व्यक्ति नूं शक्की हालत में आप काबू किया गया तो जदों उसकी तलाशी ली गई तो उस कोलों 1 किलो के करीब अफीम बरामद हुई जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के करीब है। इस मौके थाना जीआरपी के पुलिस अधिकारी बलबीर सिंह घुम्मर ने मीडिया को जानकारी देंदिया कहा कि अज साडी पूरी टीम वालों प्लेटफार्म नंबर 4 ते 5 से चैकिंग की गई जिसके चलते उन्होंने वालों एक व्यक्ति नूं शक्की हालत काबू किया गया उस कोलों अफीम बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि इसनूं अदालत विच पेश करके इस दा 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया ते रिमांड दौरान यह पता लगाया जाएगा कि अफीम कित्थों लैके आंदा है ते किसनूं अगे सप्लाई करदा है। थाना सदर जलंधर की पुलिस चौंकी जंडियाला अधीन पेंदे पिंड समराई के एक घर च गैस लीक होने कारण नेड़े पिया सिलेंडर फट गया जिस कारण घर की छत उड़ गई ते गैस सिलेंडर डिलीवर करने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति की पछाण 55 साल रणजीत सिंह वजों हुई है। थाना सदर शमशेर के मुखी इंस्पैक्टर भारत बसीर लद्दड़ ने दसिया कि घर च गैस सिलेंडर फटन की सूचना मिलते ही जंडियाला पुलिस चौंकी के इंचार्ज एस ए रजिंदर सिंह ने कॉन्सटेबल दलजीत सिंह ते होर कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो सब तो पहला अग नाल बुरी तरह झुलस गए रणजीत सिंह नूं हस्पताल पहुंचाया ते बाकी परिवारक मैंबरां नूं सुरक्षित बाहर कढ़िया। सीनियर कांस्टेबल दलजीत सिंह ने अपने साथियों की मदद फायर ब्रिगेड के आने तो पहले ही घर में लगी अग ते काबू पा लिया। फिलहाल पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करके रणजीत सिंह का पोस्टमार्टम करवा के लाश परिवारक मैंबरां नूं सौंप दी। अमृतसर शहर के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर वालों शहर के अंदरूनी ते बार बार एरिया विच नाइट डोमीनेशन तहत वख-वख पॉइंटां ते समूह गस्टड अफसरां समेत फोर्स वालों नाकाबंदी करके शहर में आने जाने वाले वाहनों की बरीकी नाल चैकिंग की गई ते शक्की व्यक्तियों कोलों पुछगिछ भी की गई। अमृतसर शहर में वख-वख पॉइंटां ते 55 PCR व्हीकलों द्वारा अपने अपने इलाकों में गश्त की जाती है। कमिश्नर पुलिस अमृतसर वालों वख-वख नाका पॉइंटां ते जाके पुलिस फोर्स की हौसला अफजाई करते हुए उन्हां दीआं दुख तकलीफां सुनिया गया ते इस तों इलावा ड्यूटी संबंधी ब्रीफ भी किया। नाल ही उन्हां पब्लिक नूं अपील की कि वह पुलिस का सहयोग देन ते उन्हां दे इलाके विच कोई शक्की व्यक्ति या शक्की गतिविधि हुंदी है तां इसकी सूचना तुरंत पुलिस नूं दित्ती जावे। आने वाले समय से असं करते हैं जी मेन ड्रग्स के उत्ते हूँ फोकस करा इस तो बाद क्योंकि अभी तो मैं 2 ही दिन हो थोड़ा टाइम लग जाता अभी भी काफ़ी हूँ टाइम ला के असं सारा अपनी प्लैनिंग कर रहे हैं फिर थोड़े टाइम टू टाइम शेयर करते हैं। नाइट पुलिसिंग नजर आएगी? हाँ जी वो भी करते हैं जी। हूँ CCTV भी देखा जाएगा ध्यान देते काफ़ी बिल्कुल CCTV तुम देखोगे कुछ आने वाले दिनों तो बहुत सारे CCTV तो उन्होंने बारे साइनेजेस बहुत नज़र आएंगे स्पैशली इन क्राउडेड प्लेसिज और हॉटस्पॉट्स। लोक नायक गुरदास मान ने सांसद गुरजीत औजला की कुड़ी आशीर्वाद दिता ते उन्हां दे चंगे भविख की कामना की। इस मौके पर गुरदास मान ने अपनी मिठी आवाज़ नाल माहौल नूं खुशनुमा बना दिता। इस दे नाल ही साउथ ते बॉलीवुड अदाकारा हसिका मोटवानी अपने पति सोहल खटूरिया नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होए। दोहां वालों दरबार साहब विखे मत्था टेकदियां सरबत दे भले की अरदास की गई। उन्होंने कहा कि इस पवित्र जगह ते आ के उन्होंने बहुत चंगा लगे।
बहुत अच्छा लगा। मैंने मन्नत मांगी थी कि शादी के पहले साल में मैं यहाँ आऊँगी एंड अगले महीने एक साल होने वाला है, तो बाबा जी का आशीर्वाद ज़रूरी था, तो बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? आगे भी आगे भी आना चाहूँगी, कोशिश करके हर साल आऊँगी, पर जब जब बाबा जी बुलाएंगे तब आऊँगी। बागेश्वर धाम के बाबा त्रिएंद्र शास्त्री वालों अमृतसर पहुंचने से मीडिया नाल रूबरू होंदे आ ईसाई धर्म के लोगों प्रति की गई गलत टिप्पणी से भड़के ईसाई भाईचारे वालों अमृतसर दी सड़कों से उतर के रोस प्रदर्शन करदे आ पुलिस को इस संबंधी शिकायत दे के जहे बाबे के खिलाफ कार्रवाई करने की गल आखी गई सी। उत्थे ही मौके पर पुलिस प्रशासन वालों ईसाई भाईचारे के लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके चलते ईसाई भाईचारे से पुलिस प्रशासन विचकार तकरार भी हुई। इस मौके वाल्मीकि भाईचारे के आगू ने मीडिया ने दसिया कि मसीह भाईचारे वालों बंद की कॉल दी गई सी। गुमटाले एयरपोर्ट रोड नू बंद करन नू लै के ते ओ इस करके दी गई सी कि बागेश्वर धाम के बाबा त्रिएंद्र शास्त्री वालों ईसाई धर्म के लोगों प्रति की गलत टिप्पणी नू लै के, जिसके चलते इसकी शिकायत अजनाले विच दर्ज हुई सी, पर पुलिस वालों जब तक कार्रवाई नहीं की गई, जिसनों लैके ईसाई भाईचारे में काफ़ी रोस दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन वालों अपनी कार्रवाई करते हुए बहुत बुरी तरह ईसाई भाईचारे के आगुआ के नाल दुर्व्यवहार किया गया, तो उन्होंने हिरासत में लिया गया, जिसके चलते उन्होंने नाल वाल्मीकि भाईचारे वालों भी समर्थन दिता गया। उन्होंने कहा है कि असी पंजाब बंद की जल्द कॉल देवे जेकर प्रशासन वालों इंसाफ ना दिता गया। खालसा कॉलेज गवर्निंग काउंसिल वालों श्री गुरु नानक देव जी के गुरपुरब संबंधी अलौकिक नगर कीर्तन खालसा कॉलेज तो आरंभ हो के सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे समाप्त होया। इस मौके पर सरदार रजिंद्र मोहन सिंह छीना, गुणबीर सिंह, अजमेर सिंह हेयर प्रिंसीपल डॉक्टर महल सिंह समेत वड्डी गिनती विच संगत हाजिर सन। इस दौरान स्कूल दियां बैंड ते गतका पार्टियां वालों अपनी कला के जोहर दिखाए गए। नगर कीर्तन का जगह जगह से संगत वालों भरवां स्वागत किया गया। धन धन गुरु नानक देव जी दार पुरब दमूह संगत लख लख बधाई होज। खालसा कॉलेज नगर कीर्तन इतने बहुत पुरानी प्रथा साड़ी, हर साल गुरु साहब के अवतार पुरब तो पहलों एक दिन पहलों अं नगर कीर्तन लैके जाने। गुरु साहब की कृपा के नाल खालसा कॉलेज का इन्ना प्रसार होया, इन्ना विस्तार होया कि अज साडे सारे समूह अदारे दे सारे दे बच्चे स्टूडेंट्स स्टाफ नॉन टीचिंग टीचिंग प्रिंसीपल साहबान साढ़े मैंबर साहबान सारे नगर कीर्तन के नाल चलते हैं जी पालकी साहब की अगवाई दे विच। और ये नगर कीर्तन गुरु साहब की कृपा नाल इन्ना विस्तार होया कि 30,000 के करीब स्टूडेंट्स और सारे स्टाफ नाल चलता है। हुण नज़र मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।